कानपुर में इंडियन फुटवेयर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इफकोमा भारत में जूते तथा उसके अवयव पार्ट्स निर्माताओं की एक व्यापारिक संस्था है। ये कार्यकारी समिति एक विधिवत निर्वाचित शीर्ष व निकाय बंधित एक गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिटेबल संगठन है। राष्ट्रीय चमड़े विकास कार्यक्रम और भारत सरकार द्वारा हमें विभिन्न मंत्रालयों से विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त है। बीते 15-20 वर्षों में IFCOMA द्वारा काफी विकास हासिल किया गया है। विकास के लिए निरंतर कार्यरत तथा ये समर्पित उद्यमियों और पेशेवरों की एक विशाल संख्या की सच्ची संगठन भावना का परिणाम है। CLE के पूर्व चेयरमैन मुख्तारुल आमीन ने कहा कि जो फुटवेयर कंपोनेंट्स हैं वो लेदर इंडस्ट्री के लिए बैकबोन का काम करते हैं। अगर कंपोनेंट्स ही नहीं होंगे तो हम उत्पाद कैसे तैयार करेंगे। जहां आगे उन्होंने कहा कि दिनों दिन इफकोमा का प्रदर्शन शानदार होता जा रहा है, कानपुर की लेदर इंडस्ट्री तो फुटवेयर कंपोनेंट्स पर ही टिकी है। जहां बोले कि आगामी 6 व 7 दिसंबर को कानपुर लखनऊ हाईवे पर PLC कॉम्प्लेक्स में इफकोमा की ओर से प्रदर्शनी व बायर सेलर मीट का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के मास्क कारोबारी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर इफकोमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SK वर्मा, संजय गुप्ता, शेख मोहम्मद शाहिद आदि उपस्थित रहे। इफकोमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इनकी 2 दिन की एग्जीबिशन कल और परसों KLC बंथर में होने जा रही है, और इसमें इनके सारे मेंबर्स 60 से ऊपर मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सब नए प्रोडक्ट्स जो डेवलपमेंट्स इनके 2 साल के अंदर हुए हैं वो दिखाएंगे। उससे हमारी लोकल इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होता है, हमको नए डेवलपमेंट्स मिल जाते हैं, और हमारे आने वाले फेयर जो गार्दा फेयर जनवरी में होने वाला है उसमें हम अपनी नई रेंज लेके जा सकते हैं, जिससे हमें अच्छा बिजनेस मिलने की उम्मीद होती है। ये KLC कॉम्प्लेक्स बंथर में ये फेयर लग रही है। बिजनेस इस वक्त ओवरऑल थोड़ा सा डाउन है बिकॉज ऑफ द रिसेशन इन यूरोप, लेकिन ये वक्ती है। हम उम्मीद करते हैं कि धीरे कुछ इम्प्रूवमेंट भी शुरू हो गया है, और आई थिंक वी विल बी बैक टू द सेम पोजीशन। कहते हैं कि हर दिन के बाद जिनकी देखिए बहरहाल जंग तो कुछ भी हो अच्छी नहीं होती, लेकिन ये कि बहरहाल ना उससे हमें बेनिफिट देखना चाहिए, उस जंग से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। जूते की जरूरत तो हर वक्त पड़ेगी, हमेशा पड़ेगी, और हम बनाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हर पैर में जूता हो और हर पैर में अच्छा जूता हो।